बिहार का चुनाव इस बार किसी गुत्थी की तरह रहा। देर रात तक यह गुत्थी नहीं खुल पाई थी। दोपहर से ही एनडीए लगातार आगे रहा, पर महागठबंधन बस दो कदम पीछे पीछे चलता नजर आया। आखिरकार रात 12 बजे लगभग साफ हो गया कि नीतीश के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बनाने लायक आंकड़े जुटा चुका है। इससे यह भी साफ हो गया कि कोरोना काल में पलायन का सबसे ज्यादा दर्द झेलने वाले बिहार के लोगों ने एनडीए पर ही भरोसा जताया। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी पिछड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई, यानी ये साफ हो गया कि बेशक वे सीएम बने रहेंगे, लेकिन सरकार में भाजपा अब बिग ब्रदर की भूमिका निभाने वाली है। दरअसल ऐसे हालात में भाजपा के स्थानीय नेताओं ने यह भी मांग उठा ली है कि अब सीएम भी भाजपा का होना चाहिए। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बिहार में नीतीश ही एनडीए के नेता होंगे। नीतीश कुमार की सीटें घटने का सबसे बड़ा फैक्टर चिराग पासवान रहा। उन्होंने 30 सीटों पर जनता दल यू को नुकसान पहुंचाया है। सुबह जब नतीजे आना शुरू हुए तो एनडीए घबरा गया था। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता 3 बार टली। दूसरी ओर पटना में आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा हर घंटे कैमरे में सामने आए और जीत के दावे करते रहे। फिर भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू तीनों पार्टियों के दफ्तरों पर आतिशबाजी भी शुरू हो गई। सभी जीत के दावे करते रहे। आखिरी दौर में तनाव ऐसा था कि नीतीश को 2 से 2.5 घंटे तक एनडीए नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ी। हालांकि नतीजों को आधिकारिक घोषणा अभी बाकी रही। कुछ लोग हैं जो देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह की बात बोलते रहता है, खूब प्रचार लेता है, हमको कोई एतराज नहीं। भाई मेरे ऊपर अनाप शनाप बोल करके अगर प्रचार लेते हो तो लोग हमको क्या दिक्कत है? कम से कम मेरे ही चलते ना प्रचार ले रहे हो, मेरे ही ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलोगे तभी ना प्रचार मिल रहा है। लो प्रचार, लेकिन काम करने का कोई अनुभव है? कोई समझ है कि क्या होना चाहिए? कोई कोई सलाहकार रहता है, कुछ से कुछ करवा दिया जो कभी होना ही नहीं। अरे 15 साल रहा राज पति पत्नी, क्या किया, किसके लिए किया? अभी तो अंदर भी है, जो काम किया उसी के चलते अंदर है, और लोग भी अंदर जाएंगे, लेकिन क्या है, कोई काम करता है? सब अपने हित में काम करता है, अपने लिए काम करता है। और हम लोगों को मौका दिए हैं, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहते हैं। उधर देश में 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने कुल 37 सीटें जीत ली है। उनमें सबसे ज्यादा 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था। यहाँ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बहुमत के लिए 8 सीटें जीतनी थी। 16 सीटों पर जीत और देर रात तक 3 सीटों पर बढ़त के साथ उनके खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दी थी।